खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। इस बात की घोषणा अमृतपाल की मां बलविंदर कौर ने की है। मां बलविंदर ने कहा कि ये चुनाव वो किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं लड़ेगा, सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी वारिस पंजाब डे ऑफ अमृतपाल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। सिंह की मां बलविंदर ने दावा किया कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इसी क्रम में अब अमृतपाल खडूर साहिब सीट से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेगा। मां बलविंदर ने कहा कि ये चुनाव वह किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं लड़ेगा, सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतपाल पंजाब के मुद्दों को अच्छी तरह से जानता है और ये चुनाव उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ये प्रतिक्रिया सिंह के पिता तरसेम सिंह द्वारा उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को खारिज करने के एक दिन बाद आई है। तरसेम सिंह ने कहा कि अभी कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है और चुनाव लड़ने का निर्णय स्थानीय लोगों का होना चाहिए। अगर लोग चाहेंगे तो अमृतपाल सिंह चुनाव लड़ेगा। तरसेम सिंह ने गुरुवार को डिब्रूगढ़ जेल से अपने बेटे के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये फैसला हमारा नहीं, स्थानीय जनता का होना चाहिए। उन्होंने कहा अमृतपाल की चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर लोग चाहेंगे तो वे चुनाव लड़ेगा। बता दें कि अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाया गया था। वे और उसके 9 सहयोगी फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पिछले महीने सरकार ने अमृतपाल और उसके 9 सहयोगियों के खिलाफ NSA बढ़ा दिया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।